एक घुड़सवार कहीं दूर जा रहा था। बहुत देर से पानी ना मिलने से उसका घोड़ा प्यास से बेहाल था। तभी उसे एक खेत में रहट चलता दिखाई दिया। वह घोड़े को रहट के पास ले आया ताकि घोड़ा पानी पी सके, पर वो रहट बहुत जोर से टक 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 की आवाज कर रहा था। उस आवाज से घबरा कर घोड़ा पीछे हट गया। घुड़सवार के कई बार प्रयास करने पर भी जब वो घोड़े को पानी ना पिला सका तो उसने खेत के मालिक को आवाज लगाकर उससे बोला, भैया आप कुछ देर के लिए अपना रहट बंद कर दो ताकि घोड़ा पानी पी सके। रहट की टक 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 की जो आवाज है उसके कारण घोड़ा घबरा कर पानी नहीं पी रहा है। खेत का मालिक उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, भाई तुम समझदार लगते हो, फिर ऐसी मूर्खतापूर्ण बात क्यों करते हो? अगर रहट बंद हो जाएगा तो पानी आना भी तो बंद हो जाएगा, तब घोड़ा पिएगा क्या? अगर तुम अपने घोड़े की प्यास बुझाना चाहते हो तो तुम्हें उसे इस टक टक वाली आवाज में ही पानी पीने का अभ्यास कराना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वह घुड़सवार और कोई नहीं, आप ही है, मन ही घोड़ा है, जगत की चिक चिक ही रहट की टक टक है, भगवान स्वयं ही खेत के मालिक है, भगवान का भजन ही पानी है। बिना भगवान का भजन किए इस मन की जन्मों जन्मों की प्यास बुझाना असंभव है। मन कहता है कि मैं इस चिक चिक में भगवान का भजन कैसे करूं, पर भगवान कहते हैं कि अगर तुझे प्यास बुझानी है, अगर तू आराम विश्राम आनंद चाहता है, दुख से छूटना चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो तुझे भजन का जल पीना ही पड़ेगा। और भजन तो जगत की चिक चिक में ही करना पड़ता है। यदि आप सोचते हैं कि पहले जगत की चिक चिक रुक जाए फिर आप भजन करेंगे, तो निश्चित ही इस प्यास के बुझने की ना कोई संभावना है, ना थी और ना कभी होगी। इस पर विचार जरूर करें। धन्यवाद।